अग्रवाल जो है खाने बदोश थे हमारे पास, इनके पास कोई रहने का कोई तरीका नहीं था, कोई इनका मकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 3 तारीख से जब बर्फबारी शुरू होगी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बताया था, सर ऐसे ऐसे बर्फ गिर रही है, अग्रवाल दब चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि बर्फ बहुत है तो हम आ नहीं सकते। तो फिर मैंने रजाकर तौर इनको शिफ्ट किया अपने घर में, दूसरे के घर में। तो फिर 3 तारीख से बाद जब बच्चा बीमार हो गया इनका, तो बच्चे की डेथ हो चुकी। क्या कहना चाहते हो? जी सर, मेरा नाम फिलहाल नजीर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फैमिली में जो एक डेथ हो चुकी थी, तो हमने उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जब उस बच्चे की डेथ हो गई तो यहाँ पे तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब आए और उन्होंने कुछ इनको बोला और बोल के चले गए कि हम आपकी मदद करेंगे। और इस फैमिली में आप देख रहे हो एक बच्ची जान की बाजी लगा रही थी, तड़प रही थी, वो क्रिटिकल सिचुएशन में उस वक्त थी। और तहसीलदार साहब ने ये हमें कहा कि हम मेडिकल टीम भेज रहे हैं यहाँ पे, तो हम इंतजार करते रहे उस दूसरी बच्ची की जान को लेकर। तो यहाँ पे कोई नहीं आया तो फिर उसके बाप ने अपने कंधे पे यहाँ से आपको उसको उठाया और वो हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। जनाब ये हमारा ये खानी बदोश लोग है, यहाँ बर्फ इलाका में अब नहीं रोड है नहीं अस्पताल है। अच्छा जी कदे कोई अस्पताल होगा तो जरूर उसको दवाई देंगे। अच्छा जी नहीं हमारी रोड है नहीं अस्पताल है, इधर से हम उसको कंधे पर उठाकर काजीगंज चलते हैं, इधर कुलगाम चलते हैं। अच्छा जी नहीं कोई गाड़ी है नहीं कुछ है।